हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका क्रिकेट लाइन गुरु के एक और प्री मैच एनालिसिस में, जहां हम फटाफट से कवर करेंगे नीदरलैंड्स और आयरलैंड के बीच होने वाले पहले ओडीआई मैच को, जो खेला जाएगा दोपहर 2 बजे से। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको मैच का ओवरव्यू दे देते हैं। दोनों ही टीम्स ओडीआई सुपर लीग को कंसिडर करते हुए बेटर परफॉर्म करना चाहेंगी, जिससे 2023 के वर्ल्ड कप में इनका रास्ता खुल सके। सबसे बड़ी बात यह है कि टीम में केविन ओब्रायन और जॉर्ज डॉक्ट्रेल की मौजूदगी आयरलैंड को ज्यादा बेहतर पोजिशन पर रखती है, जिसके चलते आयरलैंड इज मोर एक्सपीरियंस टीम इन द कॉन्टेस्ट एंड नो डाउट इट कैन क्रिएट अ ह्यूज इम्पैक्ट। वहीं नीदरलैंड्स की ओर से टू ऑफ देयर मोस्ट एक्सपीरियंस प्लेयर्स रियान टेन डॉशेट एंड रॉलफ वेंडर मार्वी की गैर मौजूदगी टीम को बैकफुट पर डालती है। वेल, यहाँ पर बात करें इनके हेड टू हेड कंपैरिजन की, तो दोस्तों टोटल 10 मैचेस यहाँ पर खेले जा चुके हैं दोनों टीम्स के बीच, जहाँ आयरलैंड जीती है 7 बार तो नीदरलैंड का खाता खुला है सिर्फ 1 बार और 2 मैचेस का कोई रिजल्ट नहीं निकला है। जहां तक बात रही है वेन्यू की, तो दोस्तों स्पोर्ट्स पार्क में ये पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा, बट देखा जाए तो 2 T20 इंटरनेशनल मैचेस यहां पर खेले जा चुके हैं, जिसमें सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने बाजी मारी है और स्कोर रिलेटिवली लो रहा है। बट करंट सिचुएशन और आयरलैंड की बैटिंग लाइनअप को देखते हुए 230 के अराउंड का स्कोर कैन बी अ कॉम्पिटिटिव वन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज द टीम एनालिसिस। पहले फोकस करते हैं टीम नीदरलैंड्स पर। दोस्तों यहाँ देखा जाए तो टीम कुछ डिसेंट परफॉर्मर्स के साथ गेम में उतरेगी, जिनमें टिम वंडर, कोकटेन, फ्रेड क्लासेन और ब्रेंडन ग्लोवर जैसे प्लेयर्स मौजूद हैं एंड दे हैव द एबिलिटी टू प्ले एन एक्स फैक्टर रोल। साथ ही टीम के इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स अगर राइट मोमेंट में सपोर्ट करते हैं, देन दे कैन टर्न द टेबल अराउंड। ऑन द अदर हैंड, कॉलिन एकरमैन, रॉयलफ वेंडर मर्वी और रियान टेन डॉशेट की एब्सेंस नीदरलैंड को बैकफुट पर डाल सकती है। चलिए अब जरा गौर कर लेते हैं इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर। पीटर सीलर, स्कॉट एडवर्ड्स, स्टीफन माइबर्ग, मैक्सो डाउड, बेन कूपर, बेस्टी लीडी, जुल्फिकार, लोगन वैन बीक, फिलिप बोजवेन, विवियन किंगमा, टिम वेंडर क्रुकटन। चलिए अब जरा टीम आयरलैंड पर भी फोकस कर लेते हैं। दोस्तों टीम की रीसेंट परफॉर्मेंसेस पर फोकस करें तो हाल फिलहाल आयरलैंड ने इंटरनेशनल मैच 4 महीने पहले खेला था एंड थिंग्स डिडंट गो वेल, बट आयरलैंड इंटर प्रोविंशियल टूर्नामेंट में प्लेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है, जहां जॉर्ज डॉक्ट्रेल ने अपनी ऑलराउंड परफॉर्मेंस से सभी को इम्प्रेस भी करा है। बैरी मैकार्थी एंड क्रेग यंग भी शानदार फॉर्म में रहे हैं और यहां पॉल स्टर्निंग और केविन ओब्रायन जैसे एक्सपीरियंस प्लेयर्स इस स्क्वाड को और ज्यादा मजबूत बनाते हैं। साथ ही एंड्रयू बालब्रेन और विलियम पोर्टफील्ड भी आयरलैंड को ऑन पेपर नीदरलैंड से ज्यादा बैलेंस्ड टीम बनाते हैं। चलिए रुक करते हैं इनकी प्रोबेबल प्लेइंग 11 पर। तो एंड्रयू बालब्रेनी, लॉर्कन टकर, पॉल स्टर्निंग, केविन ओब्रायन, हैरी टैक्टर, मार्क एडेयर, जॉर्ज डॉक्ट्रेल, एंड्रयू मैकब्रेनी, बैरी मैकार्थी, क्रेग यंग, ग्रेम मैकार्टर, ये हो सकते हैं इनके संभावित 11 खिलाड़ी। सो गाइस, फाइनली अब बात कर लेते हैं कंक्लूजन की। तो एज फार एज दी ऑन पेपर स्क्वाड एंड स्टैट्स आर कंसर्न, इन एवरी फील्ड नो डाउट हमें आयरलैंड का पलड़ा भारी नजर आ रहा है एंड दे कैन डिफीट नीदरलैंड्स। दोस्तों आपके अकॉर्डिंग ये मैच कौन जीत सकता है और कौन हो सकते हैं स्टार परफॉर्मर, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर हाजिर होंगे क्रिकेट की तमाम अपडेट्स के साथ। सो कीप वॉचिंग क्रिकेट लाइन गुरु। क्रिकेट की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिकेट लाइन गुरु चैनल को और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक अपडेट्स।